प्रवेश गेट में ही राजश्री गुटका गिरा हुआ, देखिए ये स्वागत हो रहा है राजश्री से 20% एक्स्ट्रा। एक छात्रावास जिसमें शराब की बोतल रखी हुई है, आप इंसान तो इंसान जानवर भी घुस जा रही है, कोई भगाने वाला नहीं है। इस डिस्पोजल में आपको शराब का थोड़ा सा अंश भी नजर आएगा। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों को कूलर वगैरह का व्यवस्था मिला है? जी वो प्रबंधन का रूम है, वहाँ देखिए कूलर लगा। सुभाष चंद्र बोस जी, उनकी तस्वीर इस तरह से रखी हुई है, ये ऊपर लकड़ी रख दी गई है। कोई ऐसा कमरा नहीं है जहाँ पर शराबखोरी ना होती हो। यहाँ बच्चे पढ़ने आए हैं, मरवाया जाता है। मैं 2 मिनट भी खड़े नहीं हो सकता। ये बच्चा अभी इस वक्त गहरी नींद में है, गर्मी में सो रहा है। यहाँ गंदगी का आलम, ये सिगरेट, किसी ने सिगरेट पिया है और सिगरेट का फिल्टर फेंक करके यहाँ रखा गया है। इस तरह का जाला यहाँ खिड़कियों में पड़ा हुआ है। नहीं, बच्चे रह रहे हैं। हाँ तो बिस्तर लगी हुई है, बच्चे सो रहे हैं खुले आम। बच्चा बाहर से आकर बैठा हुआ है। पोछा लगाते हैं तो वहाँ शराब की बोतलें और सिगरेट का फिल्टर कैसे पड़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ राज्य में आदिवासियों के वोट, आदिवासियों के उत्थान, आदिवासियों की बातें, आदिवासियों के आरक्षण, आदिवासियों के बच्चों की स्कूली शिक्षा, आदिवासियों के भविष्य के लिए योजनाएं, इन विषयों पर ही लगातार बात होती रहती है। कार्ययोजनाएं भी बनती हैं, लाखों करोड़ों रुपयों का बजट भी बनाया जाता है। कुछ आदिवासी योजनाओं के विषय में आपको बैनर पोस्टर में देखने भी मिल जाता होगा, लेकिन कुछ जो ज़मीनी सच्चाई है वो हम आज आपको थोड़ा बहुत दिखाना चाहेंगे। ये है गवर्नमेंट मैट्रिक ट्राइबल बॉयज़ हॉस्टल दुर्ग। अब ये हॉस्टल है और यहाँ पर बच्चों के रहने और उनके पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था सरकार करती है, रहने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और अंदर के नज़ारे आपको दिखा दें, ये एक हॉस्टल सिक्योर जोन होता है, लेकिन सिक्योर जोन कहीं से नहीं है। हम यहाँ अंदर प्रवेश कर चुके हैं और यहाँ के जो कमरे हैं बहुत रंग रोगन किए गए हैं, भोरमदेव मंदिर रंग रोगन हुआ है। और इस तरह से यहाँ अंदर आ जा मनीष, ये अंदर आप हालात दिखा रहे हैं, ये गाड़ियाँ यहाँ खड़ी हुई हैं, कोई ना कोई होगा यहाँ पर, बच्चे अपने कमरों में होंगे। सत्यम मेरे साथ में, हम लोगों ने इस जगह का पहले मुआयना किया था और उसके बाद अब सोच रहे हैं कि इसके अंदर के हालात आपको दिखाते हैं। इस तरह से ये इस गैलरी से अपन गुजर रहे हैं और यहाँ पर आपको एक एक कमरों के चप्पे चप्पे की जानकारी और यहाँ के हालातों स्थितियों के बारे में आपको दिखाएंगे। क्यों सत्यम, अपन जो योजनाएं देखते हैं और पढ़ते हैं और जो बताते हैं कि यहाँ आदिवासियों के उत्थान के लिए बहुत कुछ करती है सरकार, यहाँ हम घुसे हैं, हमें कोई रोकने वाला भी नहीं है, है ना। हमें कोई पूछने वाला नहीं है कि आप कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, किन से मिलना है, जबकि आदिवासी बच्चों की सिक्योरिटी कितनी मायने रखती है। साफ़ तौर पे आप अपने सही कहा कि यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है। जब हम आकर घुस जा रहे हैं तो कोई भी घुस सकता है। और आप जिस एंट्री लेंगे आप देखेंगे, आप थोड़ा पीछे आए, इस गली को दिखाइए, गाय भी घुसी हुई थी यहाँ पर, वहाँ गोबर गिरा हुआ है, कुत्ते घूम रहे थे थोड़ी देर पहले। मतलब आप सोच सकते हैं कि आप इंसान तो इंसान जानवर भी घुस जा रही है, कोई भगाने वाला नहीं है। और अंदर आइए, आप देख सकते हैं यहाँ पे ढेर सारे चित्र बनाए गए हैं और चित्र के साथ मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा। ये शराब की बोतल है, यानी कि एक छात्रावास जिसमें शराब की बोतल रखी हुई है। अब छात्र इसका सेवन करते हैं, पीने वालों ने पीकर रख दिया है, उठाने वाले की जहमत किसी के पास नहीं है। बड़े बड़े कॉरपोरेट जो लोग होते हैं उनकी सुरक्षा, उनकी देख रेख, साफ सफाई की व्यवस्था होती है। शराब की बोतल भी नहीं है, ये डिस्पोजल भी रखा हुआ है, आपको दिखा रहे हैं, जो प्रमाण है कि यहाँ पर शराबखोरी होती है। इस डिस्पोजल में आपको शराब का थोड़ा सा अंश भी नजर आएगा। और यहाँ पर इन व्यवस्थाओं को, मतलब आप सोच लीजिए कि किसी ने पीकर यहाँ पर जा चुके हैं, लेकिन उसके बाद इन चीजों को हटाने की भी जहमत किसी के पास नहीं है। मैस संचालन नियम, शायद ये मैस था पहले, यहाँ बच्चे बैठकर खाना खाया करते थे। संचालन नियम, मीनू के अनुसार ही भोजन दिया जाएगा। और मैस के अंदर हमको शराब की बोतल मिल रही है। भोजन करते समय शांत रहें, मैस की राशि ये सब लिखा हुआ है, भोजन की थाली, मतलब पूरा ये मैस का जूठा भोजन यत्र तत्र ना फेंकें। तो जूठा भोजन छोड़ दीजिए, यहाँ यत्र तत्र शराब की बोतल और डिस्पोजल पड़ा हुआ है। हालात और आगे दिखाना चाहेंगे, आप आ जाओ मनीष, आगे आ जाओ। ये यहाँ का एक मैदान है ऐसा लगता है, उस पर कमरे हैं, कमरों की खिड़कियाँ आप देख पा रहे हैं। और यहाँ जब हम पहले मुआयना करने आए थे तो ये बच्चे अभी कुछ नहा रहे हैं यहाँ पर। और क्यों बेटा, यहाँ पर आप लोगों को खाने पीने की व्यवस्था ठीक मिलती है? कहाँ से आए हैं आप लोग? खाने पीने की व्यवस्था यहाँ कैसी है आप लोगों की? ठीक है सर। ठीक है, हाँ। अच्छा, यहाँ पर जैसे यहाँ सिक्योरिटी के नाम पे कुछ नहीं रखते क्या? कितना टाइम, नाइट में, अभी दिन में? नहीं, दिन में, रात में। गार्ड वार्ड नहीं? कोई गार्ड वगैरह या साफ सफाई वाला, कोई साफ सफाई नहीं होती है? ये हॉस्टल मतलब पहले ऐसा था कि बंद था हॉस्टल, अभी तो इधर हम लोग रहना स्टार्ट किया, वो नया हॉस्टल है तो उधर सब चीज़ करते हैं, लेकिन इधर रहते हैं ना बच्चे? रहते हैं, अभी रहते हैं। कितने कमरों में रह रहे हैं?
ये अभी कितने कमरों में बच्चे रह रहे होंगे यहाँ? यहाँ पे तो पता नहीं सर, वही 6-7 हो सकते हैं। 6-7 कमरों में रह रहे हैं, और बाकी और जो हॉस्टल है वहाँ पर रहते हैं बच्चे? नए हॉस्टल में और रहते हैं बच्चे। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों को कूलर वगैरह का व्यवस्था मिला है? जी नहीं, कूलर नहीं है। पंखे चलते हैं आप लोगों के? चलते हैं रूम। कूलर नहीं है जी। आप भी यहीं पढ़ते हैं बेटा? कहाँ से आए आप? मैं बालोद जिला गुजरा। अच्छा, यहाँ पर ऐसे रहते हैं, ऐसे गंदगी का वातावरण में आप लोग रहते हैं, कैसा लगता है? गंदगी रहती है ना यहाँ? साफ सफाई करने वाला कोई नहीं? उधर रहते हैं, साफ सफाई वाले रहते हैं, पर अभी तो उतना नहीं रहते, तो काम है जनसंख्या इसलिए नहीं करते। नहीं, साफ सफाई नहीं करते। ये इस तरह से हालात हैं। आगे कुछ और स्थितियाँ आपको और दिखाएंगे नज़ारे। हम लोग पहले एक बार मुआयना करके जा चुके हैं, और उसके बाद की स्थितियाँ ये देखिए। ये लेड बहुत है, पास से मत दिखाइएगा, बहुत ज़्यादा गंदगी है यहाँ इन बच्चों के लिए। नहीं दिखाएंगे, लेकिन ये मतलब पब्लिक को कैसे दिखाएं? इस कमरे का नज़ारा, दिलचस्प नज़ारा हम देखते हैं और देख के जा चुके हैं, आपको दिखाएंगे। ये सत्यम जरा इसकी लाइट ऑन कर देना, उसकी फ्लैश लाइट ऑन कर देना। ये कमरा अंधियार से डूबा हुआ है। अब आप सोचिए, ये हमारे वीर देश के सपूत हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सुभाष चंद्र बोस जी, उनकी तस्वीर इस तरह से रखी हुई है। ये ऊपर लकड़ी रख दी गई है, और ये जाले हैं, और ये खाट ऐसे पलटी हुई है, और यहाँ पर इस हालात में इस तस्वीर को रखा गया है। यहाँ के रहनुमा, यहाँ के देखने वाले, यहाँ के केयर टेकर। ये डब्बा और दिखाइए, यहाँ एक बार फ्लैश लाइट दिखाएंगे सत्यम, फ्लैश लाइट दिखाइए। ये देखिए, ये डब्बे के अंदर बाकायदा डिस्पोजल रखा हुआ है, एक मिनी फ्रिज सा बना दिया है यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था के लिए। इस पार भी ये बॉटल और डिस्पोजल, मतलब आप समझ लीजिए कि कमरा कोई ऐसा कमरा नहीं है जहाँ पर शराबखोरी ना होती हो। और ये गंदगी का आलम है, झाड़ू पड़ी हुई है, कचरे डब्बे में भरे हुए हैं, और ये औपचारिकता बस किसी ने झाड़ू मार कर गया हुआ है। लेकिन यहाँ के बच्चे मारते हैं, यहाँ पर कोई झाड़ू मारने वाला नहीं है, जो यहाँ बच्चे पढ़ने आए हैं उनसे झाड़ू मरवाया जाता है। हाँ, और लॉग बुक में भरा जाता होगा कि यहाँ पर 10 चपरासी काम कर रहे हैं, उनकी तनख्वाह इतनी डल रही होगी। तो इस तरह से कमरे हैं, कमरे के अंदर भी हम कुछ कोशिश करेंगे दिखाने की। यहाँ अंधेरा बहुत है, अंधेरा बहुत है, लाइट जला दें एक बार। और ये एक बच्चा सोया हुआ है यहाँ पर, इसे डिस्टर्ब नहीं करते। और इस तरह से ये देखिए, गर्मी है यहाँ पर, मैं 2 मिनट भी खड़े नहीं हो सकता। ये बच्चा अभी इस वक्त गहरी नींद में है, गर्मी में सो रहा है, मोबाइल रखा हुआ है इसका, इस कमरे को बंद करके सो रहा है। सरकार के नेता और जवाबदार अपने अपने लिए तो कूलर और एसी की व्यवस्था कर लेते हैं, लेकिन इस तरह से जो बच्चे हैं, जो देश का भविष्य हैं, जिन्हें आदिवासी अंचलों से लेकर लाया जाता है और यहाँ सुरक्षित वातावरण देंगे कहते हैं। देखिए, ये रूम का हालात देख लीजिए, जूते चप्पल रखे हैं, ये बात इस बात का गवाह है कि यहाँ पर बच्चे हैं और पढ़ने के लिए यहाँ पर रहते हैं। लेकिन ये भी दिख रहा है यहाँ गंदगी का आलम, ये सिगरेट का फिल्टर है, ये देखिए, किसी ने सिगरेट पिया है और सिगरेट का फिल्टर फेंक करके यहाँ रखा गया है। अब ये बच्चे सेवन करते हैं या वार्डन सेवन करते हैं, कौन सेवन करता है, ये भी सवाल पैदा होता है। अगर वार्डन करते हैं तो क्यों करते हैं, और बच्चे करते हैं तो वार्डन यहाँ है क्यों नहीं, ये भी सवाल खड़ा होता है। ये तस्वीर है, आदिवासी योजनाओं को इस जाले से भी दिखाना चाहूँगा। ये जाला आप देखिए, किस तरह का जाला यहाँ खिड़कियों में पड़ा हुआ है, लगता है कि महीनों से सालों से ना कोई यहाँ रहनुमा यहाँ साफ करने से आया होगा। योजनाएं और बच्चों के फायदे की चीज़ें इन जालों में, इन भ्रष्ट तंत्र में डूब सी गई हैं। आगे चले मनीष, और आगे खिड़की पे नहीं, सरकार की योजनाओं पे जाला लग गया है। जो सरकार दावा कर रही है कि हम सरकार ग्रामीण अंचल में जाते हैं, आदिवासियों के लिए बहुत सारी योजना बनाते हैं, उन योजनाओं पे ये जाला लगा हुआ है। हमने पूरा हॉस्टल का मुआयना कर लिया लगभग 2 बार, एक बार हम ऐसे ही विजिट करके गए, उसके बाद में हमने, और एक बार हमने सोचा कि खबर के जरिए आपको समझाएं। देखिए, एक बच्चा यहाँ पर पढ़ रहा है, एक बच्चा खाना खा रहा है, और ये थोड़ी कमरे की व्यवस्था ठीक है। क्यों बेटा, आप कहाँ से हैं? अभी प्लीज़ बंद कर दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ का स्टूडेंट नहीं हूँ। यहाँ के स्टूडेंट नहीं है? मैं उसका क्लासमेट हूँ, मैं खाना खाने बस आया। अच्छा, यहाँ पर आए हैं आप, मिलने आए हैं? यस। किन से मिलने आए थे आप यहाँ पर? आप प्लीज़ उसको पहले बंद कीजिए। हाँ, उसको पहले बंद कीजिए आप। अच्छा, आप कहाँ से आए ये तो पूछ रहे हैं हम। ये सिक्योर जोन है, ये आदिवासी बच्चे लोग के लिए है। मैं बालोद से हूँ। बालोद से हैं? हाँ। किन से मिलने आए आप यहाँ पर? भावेश्वर राणा। हाँ, भावेश्वर राणा। अच्छा, यहाँ पर आप लोग को अनुमति मिल गई आप लोग को रहने के लिए? नहीं, मैं यहाँ सिर्फ लंच करने आया हूँ, क्योंकि मैं कॉलेज में लंच नहीं कर सकता, इसलिए। लंच कर लीजिए, कोई बात नहीं। तो ये इस तरह से देख रहे हैं बच्चे यहाँ पर, इस तरह से इन हालातों में बैठे हुए हैं, और बाहरी लोगों का प्रवेश इस तरह से है। खाना खाने की जगह है, यहाँ मिल चुकी है, और अब तक हमने इस पूरे हॉस्टल का एक एक कमरा चप्पा चप्पा आपको दिखा दिया।
और इतने देर की वीडियो में काश कोई एक व्यक्ति आता, काश कोई एक ऐसा चौकीदार आता जो हमें पूछता कि आप यहाँ क्या आए हैं, क्यों आए हैं, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रिपोर्टिंग किस चीज़ की कर रहे हैं, ये कोई पूछने वाली बात होती तो यहाँ तो कोई दिख नहीं रहा सत्यम। यहाँ मुझे लगता है कि यहाँ कोई जवाबदार नहीं है, चौकीदार तो छोड़ दिए, अधिकारी छोड़ दिए, चौकीदार नहीं है, कोई जवाबदार नहीं है। अगर जवाबदार होता इतने देर से हम चिल्ला चिल्ला कर रिपोर्टिंग कर रहे, कोई भी आकर हमसे एक दफ़ा तो पूछता कि आप लोग कौन हैं और यहाँ पर क्या कर रहे हैं। यहाँ गेट में भी कोई नहीं है, दीवारें टूटी हुई हैं, बाउंड्रियाँ टूटी हुई हैं, कोई भी बड़े मुस्तैदी से यहाँ घुस सकता है और बच्चों से बात कर सकता है। हम जब उस रूम में गए, बच्चा सो रहा था, बाजू में फ़ोन रखा हुआ है उसका, कोई भी आएगा फ़ोन लेकर चले जाएगा। वो एक बच्चा जिससे बात किए हैं वो बाहर से आकर रुका है, उसका कहना है कि मैं यहाँ खाना खाने बैठा हूँ। तो यह है कि बाहरी बच्चों का या कोई भी बाहर का व्यक्ति प्रवेश कर सकता है, और जब बाहर का कोई व्यक्ति प्रवेश कर सकता है मतलब वो यहाँ पर आके सारे कर्म कर सकता है। जैसे अंदर हालात हम देख पा रहे हैं कि कोई शराब की बोतल, शराब के डिस्पोजल और सिगरेट की पैकेट, गुटखे के पाउच के पैकेट, ये सारी चीज़ मतलब आपने बना क्या दिया है। सरकार से ये सवाल है और प्रशासन से, नेताओं से, अधिकारियों से ये सवाल है, आपने बना क्या रखा हुआ। आपने इन बच्चों को सुविधा देनी चाहिए, आपने इन बच्चों की सिक्योरिटी करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर सब कुछ आप लाखों रुपए का खर्च करते हैं, उसके बावजूद ये स्थितियाँ कि यहाँ बच्चों को जो रह रहे हैं उनको बिना कूलर के जीना पड़ रहा है, जो रह रहे हैं उन्हें अनियमितताओं के बीच जीना पड़ रहा है, जो रह रहे हैं। अब सोचिए कि यहाँ पर दुर्ग ज़िले के अभिषेक पल्लव साहब हैं, एसपी साहब, वो जगह जगह खोजते रहते हैं कि शराबी कहाँ बैठ रहे हैं, उनको पकड़ पकड़ कर वहाँ से भगाते रहते हैं। शराबी तो यहाँ बैठ रहे हैं, शराबी यहाँ बैठ रहे हैं, ये इस बात का प्रमाण है। आपने कहा कि कूलर नहीं है, वो प्रबंधक का रूम है, वहाँ देखिए कूलर लगा हुआ है, वो भी दिखाएं जरा। ये प्रबंधक जो है बढ़िया कूलर का हवा खा रहे हैं, और बच्चे जो है जिनके नाम पर फंडिंग आता है, अनुसूचित जाति के बच्चे हैं उनके नाम पर फंडिंग आ रहा है, लेकिन हवा कौन खा रहा है, यहाँ के प्रबंधक। आइए उनसे बात किया जाए। प्रबंधक का कमरा दिख रहा है और कोशिश करते हैं हम, दरवाजा खटखटाएंगे भी और उनसे बातचीत भी करेंगे कि यहाँ पर ये थोड़ा सा लुक अच्छा लग रहा है, हो सकता है ये ऑफिस ही हो या उनका निवास हो, तो बातचीत करने की कोशिश करते हैं। दरवाजा भी खटखटाते हैं यहाँ पर कि क्या चल रहा है अंदर। सर नमस्ते, हम लोग केबी न्यूज से आए हैं सर, थोड़ा सा बात करना था आपसे। आइए थोड़ा बाहर आइए, आइए ना, हाथ मिला रहा हूँ आपसे। आप कौन से पोस्ट में हैं, आप कौन से पोस्ट में हैं, आप यहाँ आप प्यून हैं, आइए बाहर आइए। हम लोग यहाँ पर दादा पूरे हॉस्टल में हम लोग घूम लिए, कोई हमसे पूछने वाला नहीं है कि आप लोग कहाँ से आए हैं, कौन हैं, इस हॉस्टल में क्या कर रहे हैं। ये बंद है ये वाला हॉस्टल, वो वाला हॉस्टल में हम गए थे वहाँ भी बंद है, पुराना भी नहीं है। बच्चे रह रहे हैं वहाँ तो, बिस्तर लगी हुई है, बच्चे सो रहे हैं खुले आम। बच्चा बाहर से आकर बैठा हुआ है, वो वहाँ पर खाना खा रहा है, दारू की बोतल अंदर पड़ी हुई है, डिस्पोजल अंदर पड़ा हुआ है, झाड़ू कई महीनों से नहीं लगा है, और बोलना चाहिए कि पूरे जालों में युक्त है। आपके लिए बढ़िया कूलर लगा देख पा रहे हैं, आप चौकीदारी कर रहे हैं, आप अपने लिए कूलर लगाए हैं, बच्चों के लिए कूलर का व्यवस्था नहीं है। क्या सरकार पैसा नहीं दे रही है बच्चों के लिए कूलर लगाने के लिए? ये नया बिल्डिंग है उनका, ये वाला ठीक है, नया बिल्डिंग है, वहाँ पर पाँच पाँच बिस्तर लगा हुआ है, बच्चे सो रहे हैं, बच्चा खाना खा रहे हैं, बच्चे नहा रहे हैं। इनका सर ना यहाँ पे है, क्वार्टर में मिलेंगे वहाँ सर, वहाँ उससे मिल लो सर। तो जवाबदारी कौन लेगा, आप लेते हैं कि वो लेते हैं? उनका हॉस्टल भाई, हमारा हॉस्टल नहीं हो, इनका हॉस्टल है, मरकाम सर का। आप चौकीदार कहाँ के हैं? हम प्रयास हॉस्टल के हैं, यहाँ ये जवाबदारी में नहीं है आपके? नहीं नहीं, कौन जवाबदारी किसकी है फिर? मरकाम सर है ना उनका। अच्छा, यहाँ की जवाबदारी कौन लेगा, इस बिल्डिंग की, बच्चों की जवाबदारी कौन? मरकाम सर, मरकाम सर, मरकाम साहब, कोशिश करेंगे हम। ठीक है दादा, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बात करने, हमसे बात करने के लिए। तो ये प्यून है, जवाबदारी ये नहीं लेंगे, जवाबदारी मरकाम सर लेंगे, तो मरकाम सर से बात करने की कोशिश करते हैं। आइए, बंगला जरा देख रहे हैं, मरकाम साहब का बंगला है और यहाँ भी कूलर लगा हुआ है, पीछे लगा है, लगा हुआ है, तो पीछे कूलर लगा हुआ है। मतलब जिन बच्चों के नाम से सरकार फंड रिलीज करती है उनके भी कूलर नहीं लगा हुआ है? मरकाम साहब के पास जाने के लिए हमें थोड़ी सी बातचीत का रोटेशन लगातार जारी रखना होगा, और एक नहीं दो कूलर लगे ना इनके मकान में, इस पार भी एक कूलर लगा हुआ है। मुझे तो लगता है ये कूलर बच्चों के लिए आते हैं, छात्रावास के बच्चों के लिए, और जो ये मरकाम सर जैसे लोग हैं वो दो दो कूलर अपने ही कोटे में रख लेते हैं। अब अंदर चलने पे पता चलेगा मरकाम साहब इस विषय में क्या कहते हैं। अधिकारियों के सारे क्वार्टर आप देख लीजिए, चमाचम क्वार्टर हैं, अधिकारियों के क्वार्टर्स के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए कहीं कोई विषय या कहीं कोई दिक्कत जैसी बात नहीं रहती है। ये मरकाम साहब का कमरा या उनका निवास बताया जा रहा है, आइए अंदर चलते हैं। अनुमति, यहाँ भी अनुमति लेने के लिए कोई नहीं है, हम फिलहाल अंदर जाते हैं और पूछते हैं मरकाम साहब हैं कहाँ पर। मरकाम साहब, मरकाम साहब, सर नमस्ते, हम केपी न्यूज़ चैनल से आए सर, आप मरकाम साहब हैं? नहीं, मरकाम सर वो सामने। आप किस पोस्ट में हैं यहाँ पे? मैं यहाँ प्यून हूँ।
आप प्यून हैं। अच्छा, यहाँ हॉस्टल में जवाबदारी कौन लेता है सर? जैसे कि मान लीजिए कोई बाहर का व्यक्ति आ जाता है और जैसे अंदर शराब की कई बोतलें मिली हैं और शराब के डिस्पोजल मिले हैं, उसकी जवाबदारी के लिए आप तो सोए हुए हैं घर पे कूलर चालू करके। बाउंड्री में तो ऐसा कोई जवाबदारी नहीं है। जवाबदारी नहीं है इस बाउंड्री के अंदर, दीवार के अंदर अभी कोई चौकीदार या बाउंड्री के अंदर कोई नहीं है। कोई भी आ जा सकता है, सार्वजनिक पब्लिक का पब्लिक चीज की चौकीदारी करते हैं। छात्रावास में हम लोग खाना बनाते हैं। अच्छा, तो आप तो खान समा हुए, फिर चौकीदार कहाँ हुए? उसमें तो चौकीदार की है, लेकिन काम तो सब करते हैं। अच्छा। खाना बनाते हैं, झाड़ू पोछा लगाते हैं, चौकीदारी भी करते हैं समय समय। अब जैसे अभी कोई नहीं है, झाड़ू पोछा लगाते हैं तो वहाँ शराब की बोतलें और सिगरेट के फिल्टर कैसे पड़ा हुआ है? कई महीनों से साफ नहीं हुआ है। ठीक है ना सर, अब क्या है, अब हम लोग आप सेवन करते हैं कि बच्चे करते हैं? हम तो, मैं तो सादा आदमी, मैं कुछ बच्चे करते हैं। बच्चे नहीं करते, बाहर के जो आदमी है, बाहर का एक बच्चा बैठा हुआ है, वहाँ बैठ के खाना खा रहा है, अभी खाना, वो तो आते हैं सर, बाहर के इंजेक्शन भी लगाते हैं। मतलब ऐसा हमारे बाउंड्री में ऐसा कुछ ये नहीं है, लेकिन अब सुरक्षित अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपके ऊपर जवाबदारी थोड़ी कम होगी, अधिकारी जिनको सोचना चाहिए वो नहीं सोचते, ये कहना है आपका? ठीक, तो ये सर, अब हमने सोचा था, क्या शुभ नाम है आपका? वार्डन, यहाँ कितना छात्रावास है? ये पीजी हॉस्टल है, ये पोस्ट ग्रेजुएट है ना, वहाँ जैसे बच्चे वहाँ से निकलते हैं तो यहाँ आते हैं, यहाँ रहते हैं, उसके बाद यहाँ रहते हैं, यहाँ भी बच्चे, उसके बाद एक हॉस्टल हुआ, एक हॉस्टल सामने में है। मरकाम साहब कहाँ रहते हैं? ये सामने रहता है मरकाम सर। अरे हॉस्टल अभी प्रयास चल रहा था, प्रयास हॉस्टल था बाजू में। लेकिन हॉस्टलों की दादा दुर्दशा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, निवेदन हम कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे आप लोग ठीक है, मैं इससे मैं सहमत हूँ सर, आप लोग जो बच्चों के लिए भले आप जो चला रहे हैं मुहिम, इससे मैं सहमत हूँ। यहाँ सुरक्षित होना चाहिए, सुरक्षा होना चाहिए यहाँ इस छात्रावास में। आप भी नहीं है, एकदम सो रहे थे खराटा मार करके। सर ड्यूटी करके आए हैं, आराम कर रहा हूँ, खाना पीना खाऊंगा। ठीक है, ड्यूटी किए जैसे लग नहीं रहा है, खा पी के बैठे हैं ऐसा लग रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलिए आपकी छोटी पोस्ट है, कोशिश करेंगे हम, केपी न्यूज़ चैनल से हैं भाई साहब, है ना, तो कोशिश करेंगे। और मुझे नहीं लगता कि मरकाम साहब नहीं हमसे मिल पाएंगे, है ना, ये मरकाम साहब का कमरा बता रहा है, बारिश भी बहुत तेज़ हो रही है। मरकाम साहब अभी नहीं है शायद, वहाँ उनकी गाड़ी खड़ी रहती है, सब बता। तो ये है यहाँ की स्थितियाँ, हमने कोशिश की जवाबदारों से बात करने के लिए। और वैसे मरकाम साहब का कमरा ये वाला है, आप जैसे उन्होंने बताया चौकीदार साहब ने, वो चौकीदार हमें ये कमरा बताया था, इस चौकीदार ने कहा कि ये कमरा है। अब यहाँ पर मरकाम साहब अभी फ़िलहाल नहीं है, तो ये खबर आप देखिए और देखकर समझिए कि यहाँ पर सरकार और प्रशासन के लोग किस तरह से सरकारी योजनाओं में पलीता लग रहा है। जाहिर सी बात है, लाखों करोड़ों रुपए इन बच्चों के देख रेख के लिए खर्च होता है, आदिवासियों के संरक्षण की बात होती है, यहाँ आदिवासी बच्चे पढ़ते हैं, उनके लिए स्कूल बनाया गया, हॉस्टल बनाया गया, लाखों करोड़ों रुपये खर्चा किया, लेकिन अगर संधारण नहीं कीजिएगा और इन जगहों पर सिक्योर जोन में इतनी देर से हम घूम रहे हैं, हमें कोई पूछने वाला नहीं है, चौकीदारों को उठा उठा के हम पूछ रहे हैं सर आप कौन हैं, हम यहाँ पर घूम रहे हैं, हमसे कोई बात कोई क्यों नहीं कर रहा है, तो इन विषयों की समीक्षा होनी चाहिए। चौकीदार और अधिकारी जो है वो कूलर की हवा में, ठंडी हवा में, गर्मी के मौसम में सो रहे हैं। देखिए योजनाएं तो बहुत सारी बनती हैं, मगर जो योजना क्रियान्वयन होता है जो अधिकारियों के ऊपर होता है, अधिकारी उस बात का जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। आप देख सकते हैं खर्राटे मार के सो रहे थे, मरकाम साहब जो हैं वो भी सो रहे हैं, मरकाम साहब जो थे वो भी सो रहे थे, यानी कि पूरी जो सिस्टम है और पूरी जो योजना है उसमें जाला लग चुका है और सब सो ही रहे हैं। हमारी छोटी सी कोशिश थी कि जो अनुसूचित जनजाति के लोग होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उन्हें पढ़ाने के लिए, उनके उनकी संरक्षण के लिए काफ़ी सारी योजना बनाई जाती है, उस योजनाओं का धरातल पर हाल क्या है वो आपको दिखाया जाए। क्यों भैया, अब अगर पढ़ने की जगह पर ये बियर बार वाली स्थिति बन जाएगी, आते वाली स्थिति बन जाएगी और बाहर के असामाजिक तत्वों का अड्डा बन जाएगा, तो समझिए कि उनके लिए कितना सिक्योर जोन हो गया। अभिषेक पल्लव साहब तो बाहर पकड़ लेंगे पीते हुए, लेकिन इन कमरों में जहाँ बताया जाता है कि सिक्योरिटी जोन है, सिक्योर जोन है, वहाँ अगर कोई पी के बैठ रहा है, अय्याशी कर रहा है, तो सबसे उनके लिए जो पीने वाले हैं उनके लिए सबसे सुरक्षित स्थान है। तो यहाँ के डिपार्टमेंट के अधिकारी आखिरकार कर क्या रहे हैं? यहाँ भी हम घुसेंगे तो मेरे ख्याल से हम पूरे कमरों को दिखा पाएंगे आपको आराम से। यहाँ भी कोई नहीं है, यहाँ भी कोई जवाबदार नहीं। आइए चलते हैं, यहाँ भी देखते हैं कौन यहाँ पर जवाबदार है। यहाँ भी चलते हैं, थोड़ा सा माहौल दिखा देते हैं। यहाँ भी देखिए हम प्रवेश कर रहे हैं गेट पे, यहाँ प्रवेश गेट में ही राजश्री गुट का गिरा हुआ, देखिए ये स्वागत हो रहा है राजश्री से, 20% एक्स्ट्रा। आप यहाँ पर बैठते हैं बेटा? नहीं, इंचार्ज आप हैं क्या? आप यहाँ पर चौकीदार हैं क्या? नहीं नहीं, क्या आप क्या हैं, कौन हैं? मैं छात्र हैं। यहाँ पर सुविधा कैसी मिलती है आप लोगों को? गंदगी है, साफ सुथरा है, कैसा है? हाँ,
सच नहीं बोल सकता, गंदगी है, अभी हवा धूप चल रहा है इस कारण से। शराब की बोतलें पड़ी हुई हैं, सिगरेट के फिल्टर पड़े हुए हैं कमरे के अंदर। कौन से कहाँ पे? कोई चौकीदार वगैरह आता है? हाँ रहते हैं ना सर। अच्छा, तो अभी मतलब खाना वाना बनाया है, फिर अभी छुट्टी में। हमारी ये खबर आपको कैसी लगी? हमने काफ़ी मेहनत की है इन चीज़ों को आप तक पहुँचाने के लिए। अब आगे सरकार पर छोड़े जाते हैं कि इन विषयों को, इन नज़ारों को, इन कड़वे नज़ारों को देखने के बाद आगे प्रशासन क्या कदम उठाता है। भूपेश बघेल जी, योजना तो बहुत सारी बना रहे हैं और बहुत सारी अच्छी अच्छी योजना बना रहे हैं, मगर क्रियान्वयन सही मायनों में नहीं हो पा रहा है। तो इस खबर में बने रहिए, अगर इस खबर में आगे कुछ और अपडेट होती है, हमारे इस खबर के बाद कोई एक्शन होता है, उस एक्शन को भी आप तक पहुँचाएंगे। वीडियो पर आपकी कोई राय है, राय को ज़रूर रखिए। केपी न्यूज़ आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद, थैंक यू। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।